हेलो दोस्तों, आप सबका सबसे पहला स्वागत है हमारा चैनल में। हमारा इस चैनल का पूरा वीडियो एंड तक देखना। मैं आज हमारा गांव को दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों देख सकते हो, ये पेड़ के ऊपर मुर्गी बैठा है। देख सकते हो पेड़ के ऊपर, बहुत ही ऊपर है, बिल्कुल ऊपर है। ये नीचे से ऊपर तक देख सकते हो दो मुर्गी बैठा है। तो चलो दोस्तों हमारा गाँव के अंदर लेकर चलते हैं। ये हमारा गाँव है, मैं गाँव के अंदर ही जाऊँगा। ये ढलाई रास्ता है और गांव के अंदर देख सकते हो काफ़ी सारे पेड़ पौधे और बहुत सारे हरियाली और तालाब देख सकते हो। इस साइड भी तालाब, उस साइड भी तालाब। ये तालाब में एक पेड़ पड़ा हुआ है, ये भी तालाब, और इस साइड में भी तालाब में कीचड़ भरा हुआ है। तो नारियल की पेड़ छोटे छोटे रास्ते के अंदर लगा के रखा है। और ये देख सकते हो जो हमारा गाँव के अंदर का रास्ता कैसा है और गाँव कैसा है देख सकते हो। बिल्कुल चुपचाप है और इस टाइम करीब दोपहर का टाइम है, इस वजह से यहाँ आना जाना कम है। सब घर के अंदर रहते हैं हमारे गांव में। दोपहर में तो सब खाना वाना खाकर सो जाते हैं। उस टाइम भी मैंने इस रास्ते से हमारा कुछ काम के लिए जाना पड़ा, तो मैंने सोचा था कि गाँव का हमारा एक भी वीडियो नहीं है चैनल में, इसलिए हम अपना गाँव का वीडियो बना लिया है। और देख सकते हो ये कितना छोटा छोटा घर है और तालाब में भरा हुआ है। गांव में एक घर के लिए एक ही तालाब रहता है, बहुत सारे तालाब, और तालाब सारे कीचड़ में भर गए और घर घर में कल बैठा लिया समासुल जो है वो उसको बिठा लिया। इस वजह से हर तालाब में कीचड़ भरा हुआ है। नहीं तो सबसे पहला तो तालाब में काम किया करते हैं और थाली हाड़ी जो धोते थे वो सब तालाब में किया करते थे। अभी तालाब फिलहाल कीचड़ में भरा हुआ है और जो मच्छी है, मच्छी भी ठीक से पता नहीं क्यों इतना कचरा है, तो मच्छी कहाँ मिलेगा। ये देख सकते हो दोस्तों, ये हमारा गांव का जो रास्ता है, एक छोटा गाड़ी ढुक सकता है, मारुति वैन ढुक सकता है, और इससे ज़्यादा अगर बड़ा कोई गाड़ी आए तो वह हमारा जो बड़ा रास्ता है उस साइड में खड़ा करके रखता है। और हरियाली बहुत, और ताल की भी पेड़ है, ये ताल की सामने जो पेड़ है, ताल की पेड़ है, और नारियल की पेड़ काफ़ी सारे मिल जाएंगे। नारियल के जूर इस सब की पेड़ मिल जाएगा। गांव के अंदर हर किस्म का पेड़ मिलता है, तो अंगूर और आपल की पेड़ नहीं मिलता है। दोस्तों आज की वीडियो यहाँ तक, आगे चल के मैं पूरा गाँव दिखाऊँगा। ओके दोस्तों।